शादी करना है और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप तो नहीं था, पहले भी जा चुकी हूँ हस्बैंड के साथ, लेकिन बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट था वो, इसलिए क्योंकि मैंने खुद अचीव किया था, तो अब घर में भी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई है कि अपने आप क्वालिफाई करके थाईलैंड अकेले होके आई है। सोलो ट्रिप था। हम जब इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं ना दोस्तों, तो मुझे पता है कि 6 महीने पहले से आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको कितना पैसा खर्च करना होगा, कौन से होटल में आप रुकोगे, कौन सी फ्लाइट लोगे, कितना खाने पीने का खर्चा आएगा, हर चीज़ आप एक बजट प्लान करते हो। लेकिन ये मेरी लाइफ का एक पहला ऐसा इंटरनेशनल ट्रिप था जिसमें मुझे सिर्फ एक ही टेंशन थी, सिमरन लाल ने जैसे बताया कि कपड़े क्या लेके जाने हैं, सुबह क्या पहनेंगे, शाम को क्या पहनेंगे, इसके अलावा कुछ भी टेंशन नहीं थी कि कौन सा होटल होगा, कहाँ घूमेंगे, क्या खाने को मिलेगा, सब कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रिप था। एक पानी की बॉटल भी ना हमें कंपनी ने लेनी नहीं थी अपने पैसे से। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, अगर हम अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं या अपनी मर्जी से इनको जो हमें देते हैं ना, वो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। तो मोदी के ने भी ये जो ट्रिप था ना, एज अ पेरेंट हमें दिया, अपनी तरफ से बेस्ट दिया, और जो हमने खुल के अपनी जिंदगी अगर जीने को कहते हैं ना, तो ये 4 दिनों में ना अपनी खुल की जिंदगी मैंने जी है, और मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आने वाले साल में कहीं भी रहूं, लेकिन मैं सारे ट्रिप्स क्वालिफाई करके फ्री ट्रिप जरूर एंजॉय करूंगी, क्योंकि सच में ही आपकी रिस्पेक्ट आपकी फैमिली में भी बढ़ा देते हैं। थैंक यू सो मच।